हजारों लोगों के स्वास्थ्य के विश्वास को तार तार किया इस किदवई नगर स्थित बने मामा भांजा रेस्टोरेंट ने। आपको बताते चलें, वहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्रीय लोगों को पता चला कि इनके बिरयानी और कबाब में मीट मिलाने की सूचना है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना पे जमकर हंगामा काटा। मौके पे पहुंची किदवई नगर थाने की पुलिस ने सैंपल लेके बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत समझा के शांत करा के उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कानपुर की ब्यूरो रिपोर्ट। भैया, क्षेत्रीय लोगों के अनुसार सूचना प्राप्त हुई कि ये जो मामा भांजे वेज कार्नर है ये किसी मुस्लिम द्वारा संचालित है। तो जैसा कि कल आदेश योगी जी द्वारा आया है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके कोई भी धंधा नहीं करेगा, इन शॉर्ट, तो इसी का विरोध हम लोगों ने किया। हमारे कार्यकर्ता आए, उनके और एक कार्यकर्ता हमारा छोटू वर्मा है जो यहाँ पर काम भी कर चुका है, उसके द्वारा ये बताया गया कि ये मुसलमान द्वारा संचालित है। तो हम लोगों को हुआ कि शक, हाँ मुसलमान है। और जैसा कि प्रशासन को, हम लोग प्रशासन के साथ यहाँ पहुँचे तो प्रशासन ने जब आईडी कार्ड वगैरह चेक करे तो पता चला कोई मोमित, क्या नाम था, मोमिन खान द्वारा, मोमिन अहमद जो भी हैं उनके द्वारा ये दुकान संचालित है। पूरा स्टाफ मुसलमान है। लगातार पिछले कई दिनों से आप सुनते आ रहे होंगे कि कहीं कोई पेशाब करके कुछ जूस पिला रहा है, कहीं थूक करके रोटी बना रहा है, तो इसका कड़ी निंदा से हम लोग विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कृत्य अपने कानपुर दक्षिण के अंदर ना हो। जी, हमें अभी एक सैंपल हम लोग ले करके जा रहे हैं जो बाकायदा खाद्य विभाग, फूड विभाग को हम लोग देंगे, वो जाँच करवाएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। मुझे कार्रवाई ये चाहिए कि जो भी अपने महानगर या पूरे कहीं पर जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सके वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर अपना कोई भी धंधा ना करे, वरना इसका कड़ा विरोध बजरंग दल करेगा। मेरा नाम विशाल बजरंगी, मैं बजरंग दल जिले का सह संयोजक हूँ।